ये देखें जी, सूरज कहीं फी चढ़ गया है। और ये देखें जी, सूरज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जल्दी से उतर गया, धूप काफ़ी हो गई है और मैं नीचे करने लगी हूँ काम बहुत ज़्यादा है हमारे। आज बच्चे मैंने स्कूल भेज दिए, तो ये देखें जी, आज ये देखें जी, ये काफ़ी बर्तन धोने वाले पड़े हैं। अभी किचन की सफाई वगैरह भी करने वाली है। बच्चों को मैंने तैयार करके स्कूल भेज दिया है और घर की हालत देख लें। मैंने कहा आज आपके साथ सुबह की रूटीन शेयर करती हूँ। ये देखें जी, क्या हालत हुई है कमरे की भी। और ये देखें, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये वही कमरा जिसकी सेटिंग बंद हो जाती है जब मैं सफाई करती हूँ, लेकिन ये देखें क्या हालत करके गए हैं बच्चे। और जो अरहम है वो नीचे मुझे आवाज़ दे रहा है। ये देखें, पहले हम नीचे से शुरू करेंगे ये सारी सफाई वगैरह, झाड़ू लगा के साफ़ी लगा के फिर मैं ऊपर आ जाऊँगी। तो चलते हैं, सुबह की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपको? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आ रही हूँ। और अहम मुझे नीचे आवाज़ें दे रहा है कि मम्मा जल्दी आ जाओ। तो आज सुबह जल्दी उठ गई थी नमाज़ पढ़ के, फिर मैं सोई नहीं क्योंकि रोज़ा रख के सो गई थी। तो फिर मैंने, क्योंकि गैस हमारी चली जाती है ना, सुबह को टाइम चली जाती है 6 बजे, तो फिर मैंने रोज़ा रख के सो जाना होता है। फिर उठ के नमाज कर पढ़ के, तो फिर इनके लिए नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि आ रही हूँ बेटा आ रही हूँ। तो पराठे गरम बनाने होते हैं ना, तो पराठे बनाए गरम गरम तीन चारों के लिए, और अहम के लिए फिटर बनाया। तो अब उन्हें स्कूल तैयार करके मैंने भेज दिया है। तो आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि चैनल आ रही हूँ बेटा आ रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं आपने, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो वीडियो है दोस्तों के आगे शेयर किया करें। और मुझे सच्ची आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है और साथ की ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट किया करें बहुत ज़्यादा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को पूरी देखा करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करके जाया करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आज का व्लॉग करते हैं आपसे शेयर। देखेंगे मैं जल लगाने लगी हूँ झाड़ू वीडियो पर, तो फिर नीचे झाड़ू लगाएंगे। देखिए यहाँ पत्थर लग जाएगा ना, तो फिर सानी हो जाएगी। तो फिलहाल तो यहाँ मैं झाड़ू ही बस लगाती हूँ। ये देखिए ना, अभी तैयार होने वाले हैं। ये देखिए, और जो इनके जूते हैं वो मैं इधर रख लेती हूँ, धोने वाले हैं। मैं इनके जूते धो के रख लेती हूँ जो मैं आते हैं स्कूल से, तो फिर इधर रख देती हूँ। और ये देखें ऊपर खड़ा हुआ है, नीचे आ जाओ। और मैं इधर से झाड़ू लगाने लगी हूँ। और फ्रेंड्स, झाड़ू मैंने सिर्फ यहाँ तक लगाना आता है, यहाँ तक नहीं लगाना आता, क्योंकि ये नीचे मिट्टी है ना, तो जो ये मिट्टी है ना, यहाँ पाँव रखो ना तो फिर सारी मिट्टी यहाँ इधर आ जाती है, तो इस वजह से अंदर कोई भी नहीं जाता। तो ये जब तैयार हो जाएगा ना तब आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल बहुत मुश्किल है क्योंकि ईद भी सर पे है। और ये इस पर भी है मुश्किल तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको तो पता है कि ईद के काम में इससे जब नज़दीक आती है तो काम कैसा होता है। तो अल्लाह के घर देर है, हम देर तो नहीं है, लेकिन हमें आस है कि चलो कभी ना कभी तो जल्दी होगा ना। तो फ्रेंड्स, मैं बस झाड़ू लगा रही दे रहा जी। ये फ्रेंड हमारी गली है, ये देखिए, ये साथ इनकी दादी का घर है, ये देखिए। और मैंने झाड़ू लगा दी,
झाड़ू मैंने इधर रख दिया, फिर ऊपर ले जाऊंगी। जूते धोने वाले रह गए हैं, ये देखिए जूते रह गए हैं धोने वाले। तो फिलहाल ये गीजर साफ कर लूँ मैं। यह कपड़ा इसे साफ कर लेती हूँ। फिलहाल अभी तो नहीं चलाते, जब सर्दी होती है ना तब चलाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, और अब आ गई गेट की बारी। ये हमारा गेट है, इसे भी मैं रोज साफ करके जाती हूँ, क्योंकि सफाई है तो सब कुछ है, अगर सफाई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा घर के सब साफ़ सुथरे चीज़ों हों, सफाइयाँ हों। और इंसान को ना ऐसे अपने आप को हल्का महसूस करता है जब घर के साफ़ सुथरा हो ना, तो अच्छा महसूस करता है। और ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ इसे जंगाल पड़ के रंग ना करने की वजह से। ये देखिए, तो मैं बस ये रह के बाहर से कर रही हूँ। ये मोटर है कि ये इसे भी करने वाला साफ। अभी इसके शू वगैरह लगाने हैं, ये देखिए ना, अभी तारे वगैरह लगानी है। बस ऐसे ही है कि थोड़ा हो गया, थोड़ा रह गया, थोड़ा हो गया, थोड़ा सा रह गया, तो कोई बात नहीं है, एक ना एक दिन तो होगा ना। ये कपड़ा मैं यहीं रख देती हूँ, क्योंकि और फ्रेंड मैं आपको दिखाती हूँ बाहर वाला गेट। ये हमारा गेट है, ये वाला, ये देखिए ना, यहाँ बर्ती वगैरह भी डालनी है। और ये पैम नीचे चला जाएगा ना, जब मिट्टी वगैरह यहाँ डालेंगे ना तो ये पैम नीचे चला जाएगा। अब जूतों की बारी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं जूते धोने लगी हूँ, तो आप भी मुझे कमेंट करके आप भी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। लेकिन ना यहाँ अंधेरा है ना, यहाँ नीचे ना अंधेरा है, तो इससे यहाँ ना बल्ब वगैरह इतने नहीं लगे, तो इस वजह से रोशनी कम आ रही होगी, और शायद मैं भी आपको सही तरीके से नज़र नहीं आ रही होगी, तो इसके लिए माजरत। तो वो कहते हैं कोई ना कोई काम करे तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक वगैरह हो जाती है, तो गलती समझ के माफ़ कर देना। लेकिन हाँ, मुझे बताना ज़रूर है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और मैं जवाब भी तो इनका देती हूँ ना, और आपने कॉल करके भी बता दिया करें। ऊपर लिखा हुआ है नंबर, जिस भी अंदर मेरा आपका करना हो वो कर सकते हैं। तो मैं इनके जूते धो के रख रही हूँ। बहुत बहुत शौकिया करें, बता दिया करें। तो अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो तो आप मुझे बता सकते हैं, आगे से मैं ध्यान दिया करूँगी। तो बच्चे ना खुद नहीं धो सकते, तो इस वजह से मुझे धो के रख देती हूँ ना, तो फिर जब स्कूल जाते हैं तब फिर रोज़ धो के रख देती हूँ। तो आपको पता है बच्चों के काम तो खुद ही करने पड़ते हैं, अभी तो फिलहाल बहुत छोटे हैं, तो जब माशाल्लाह बड़े हो जाएंगे तब की तब दिखेंगे, लेकिन उतनी देर तक तब तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए ना। तो जो भी हमें ज़िम्मेदारी मिली हो उसे निभाना चाहिए अपनी ईमानदारी से। तो बस इसी कोशिश में लगे हैं कि अल्लाह जो भी करेगा सब अच्छा करेगा। तो हर दिन, हर रोज़ एक नया दिन चढ़ता है, और हर रोज़ एक नई रात होती है, तो कोई ना कोई रात में अल्लाह अच्छा करेगा ना इंशाल्लाह, और दिन में भी। तो बस मुझे आस अल्लाह के घर की कि अल्लाह सबसे भी अच्छा करता है, शायद ही रहेंगे भी अल्लाह ने कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा। तो बस इसी आस उम्मीद के साथ लगी हुई हैं, और कुछ बहन भाइयों की सपोर्ट है। जी अब आ चुकी है बर्तनों की तैयारी बारी, बर्तनों की बारी आ गई है। बर्तन बस धोने वाले हैं, इतने बर्तन होते हैं मैं क्या आपको क्या बताऊँ, दूध वाले, दही वाले, और चाय वाले, और चाबे होते हैं कुछ, इतने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। और चलो कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता लगे रहते हैं, हो ही जाता है। तो बर्तनों की फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी, ऊपर झाड़ू लगाना, फिर नीचे झाड़ू लगाना, नीचे से तो मैं लगा ही।
इधर लगाना है तो किचन में लगाना है, कमरे में लगाना है, तो फिर ऊपर लगाऊंगी झाड़ू। तो फिर सारी इकट्ठियाँ मैं साफ ही लगा लेती हूँ ना, पहले झाड़ू का काम कंप्लीट कर लेती हूँ ना, तो इस वजह से थोड़ी बहुत। पहले उमर आया था, उमर कह रहा था कि मामा वो फीस, टीचर कह रही है कि फीस लेके आओ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है बेटा, अपना जुमे वाले दिन चाहे सन मंडे वाले दिन फीस स्कूल में पहुंच जाएगी। तो कहने लगा कि नहीं मामा, टीचर कह रही है कि फीस अभी लेकर आओ, 2 माह की हो गई है। तो मैंने कहा बेटा टीचर को कहना कि मामा कह रही है कि मंडे वाले दिन आपकी फीस आपके यहाँ पहुँच जाएगी। तो इस वजह से बर्तन धोना थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि उससे मैं कह रही थी तो मानो कि थोड़े से टेस्ट हो रहे हैं ना, तो फिर क्लासें लगी हैं ना, तो टीचर उनका थोड़ा सा टेस्ट दे रही है, बच्चे सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। तो स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी होती है लेकिन फीस भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलें बच्चे कोई बात नहीं है, क्योंकि काम सही जा रहा हो ना तो फिर तो कोई मसला नहीं होता, जब काम ना सही हो तो फिर तो मसला हो जाता है ना। तो कोई बात नहीं, हमारे साथ अल्लाह है, अल्लाह सबके साथ होना चाहिए, अल्लाह सबके साथ है, और अल्लाह कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ अल्लाह नहीं है, अल्लाह सबके साथ है। और हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए कि अल्लाह हमारे साथ नहीं है, दूसरों के साथ अल्लाह है, लेकिन नहीं, अल्लाह मियाँ सबके साथ है और सबके पास है। तो बस ये थोड़ी सी जो मुश्किल घड़ी आती है ना, शायद वो हमारा इम्तिहान हो, अल्लाह हमसे इम्तिहान लेता हो कि मेरे इम्तिहान में पास होते हैं कि नहीं। तो कोई बात नहीं है, बंदे से आस ना उम्मीद बंदा हो सकता है, लेकिन अपने अल्लाह से नहीं, अपने रब से नहीं। बस ऐसे कैसे बातें बता रही हूँ, अगर एक बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ पेंसिल, अच्छा लगता है, आप मेरी फैमिली बन चुकी हैं जिन हर बात आपसे शेयर करती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं और मेरा छोटा गोलू वो घर में रहते हैं, मेरे साथ मेरा फ्रेंड्स होते हैं बस, तो अपनी हर बात आपसे शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और सुबह के टाइम कोई कौन बर्तन देता है, रात को तो मेरा रात को भी मैं धो के सोती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब वो स्कूल जाते हैं ना तो उसी टाइम बर्तन धोना, तो मैं पहले बर्तन धोती हूँ फिर साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ना किचन में बर्तन रखने अच्छे नहीं लगते, गंदे बर्तन पड़े हों, मैं कहती हूँ पहले बर्तन धो लूँ फिर मैं बाद में दूसरा काम करूँ। जी आ जाओ घर में। और फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इससे मैंने भर के दे दिया है इसके चाय का फीटर, क्योंकि ये उधर चाय पड़ी होती है ना ग्लास में, इसकी रख देती हूँ। और ये देखिए सूरज कहाँ आ गया, तो ये देखिए माशाल्लाह मैंने किचन की सारी साफ़ सफाई कर ली है, इधर से झाड़ू भी लगा लिया है, तो जो कूड़ा वगैरह था यहाँ इकट्ठा कर दिया, तो बस अभी कमरे से कूड़ा निकाल के तो वहाँ उठा लेती हूँ, ये चारपाई भी बिछा दी है मैंने, और बस अभी कमरे का रह गया, अभी कमरे की मैंने सफाई करनी है। चलो ये चाय पिएगा और उतनी देर तक मैं बिस्तर उठा लूँगी। जी बेटा, तो फ्रेंड मैं उठाने लगी हूँ बिस्तर। जी बेटा ढक्कन अच्छा पकड़ाती हूँ। और फ्रेंड्स ये ना बहुत ही मुश्किल से मुझे काम घर के करने देता है, कभी इसकी चाय की फरमाइशी, कभी इसके पराठे की फरमाइशी, और कभी इसकी ऊपर जाने की फरमाइशी। तो ये सारा दिन बाहर नहीं निकलता, जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो तभी ये निकलता है उनके साथ, लेकिन फिलहाल तो सारा दिन मेरे साथ ही घर रहता है मुझे तंग करने के लिए। तो अभी फिलहाल मौसम चेंज तो हुआ नहीं है कब दो, क्योंकि बारिशें हो शुरू हुई हैं तो उसकी वजह से ना ठंड हो गई है, तो इस वजह से हमने रिजाइन वगैरह नहीं रखी, तो जब रखेंगे धो के रख इसके जो कवर हैं वो धो के सफाई करके तो फिर रख देंगे। वो जो चार भाई हम खड़ी कर लेते हैं,
चारपाई खड़ी कर लेते हैं और अब अरहम का जो कंबल उसने लिया है वो उठाते हैं। चलो जी कंबल दो, जी कंबल दो। अभी आपकी नींद पूरी नहीं हुई, दोपहर हो गई है। दोपहर हो गई? नहीं, ये कह रहा है कि सारा दिन बस मेरी मामा काम ही करती रहेगी, और भी मामा ने बहुत काम करने। बाहर देखो, बाहर कौन है? कंबल हम लोग लेते हैं और जो जराई है वो अरहम का पापा लेता है, क्योंकि उन्हें ठंड ज्यादा लगती है ना, इस वजह से। कोई भी नहीं आया भाई, कोई भी नहीं आया। बाऊ बाऊ चला गया, बाऊ नहीं आया। मामा जी बेटा। मामा जी। तो फ्रेंड्स मैं ऊपर चढ़ गई हूँ पेटियों के ऊपर, तो ये पंखा भी साथ साफ करने लगी हूँ, क्योंकि रोज चलाते हैं उसकी वजह से इसे। तो ये देखिए डर भी लग रहा है कि कहीं से इसे करंट मुझे करंट ना पड़ जाए, लेकिन रोज करती हूँ। और ये जी तावला हो रहा है कि मामा जी मुझे भी ऊपर लेके चलो। आपने ऊपर क्या करना है जी, बोलो क्या करना है आपने? ये देखो जी मैं तो काम कर रही हूँ, लेकिन इसने मुझे फजूल में तंग करना होता है। तो फ्रेंड्स ये शीट वगैरह जो कपड़े के साथ मैं हर रोज़ साफ़ करती हूँ, क्योंकि नई लगाई हैं तो मैं कहती हूँ कहीं ख़राब ना हो जाए जितनी देर तक घर कंप्लीट हो। तो ये मैं पंखा वगैरह भी साफ़ करने लगी ऊपर से। ये देखें अंदर वाला कर लिया है कमरे वाला, तो ये रह गया। ये मैं डेली रोज़ करती हूँ, क्योंकि अगर नाना करें तो फिर ये ऊपर जो गर्द वगैरह है ना वो ऐसे जम जाती है, फिर बाद में ना उतरती ही नहीं है, तो इस वजह से मैं रोज़ कर लेती हूँ, लेकिन जल्दी भी हो जाता है और सही भी पंखा रहता है। देखें और फ्रिज भी करने लगी हूँ ऊपर से जी बेटा। और ये टोकरी है नीचे उतार लेती हूँ, पहले इधर से कर लेती हूँ। जी सफाई मेरी बिल्कुल हो गई है, ये देखिए सारी साफ सफाई हो गई है। तो बस क्या कहते हैं, ये देखिए वो ही लग रहा है ना कमरा के कमरा है, ये देख लें। तो मुझे सफाई है ही बहुत पसंद, ये देखिए। तो बस इसकी बारी रह गई है ये पोछा लगाने की, तो पोछा लगा रही हूँ। तो यहाँ से लेके ना फ्रेंड्स आपने यकीन नहीं करना, वहाँ तक मैंने पोछा लगाना है, और किचन में भी लगानी है, नीचे भी लगाना है, और ऊपर अभी झाड़ू रहता है वो करने वाला है। तो जी पहले हम लगा लेते हैं पंखा, पंखा लगा लिया, इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ कर लेते हैं। तो जी चल बानो शुरू हो जाए पोछा लगाने के लिए। ये देखे मैं पोछा लगा रही हूँ, एक हाथ से पोछा लगा रही हूँ और एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है। तो ये देखें यहाँ से मैंने भी पोछा लगा लिया, साफ़ी लगा लिया। तो बस ये देखें किचन की रह गई है, वहाँ लगाने लगी हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स लगा लिया मैंने पोछा। आप सोच रहे होंगे कि जूता क्यों नहीं पहना, जूता इस वजह से नहीं पहना कि वो जो जूता है ना मेरा वो स्लिप हो जाता है, तो इस वजह से मैंने जब साफ लगा रही होती हूँ तो फर्श धो रही होती हूँ तो वो नहीं पहनती। तो मैंने नहीं कहा था कि जूता लेके आओ, लेकिन वो कहने लगे चलो थोड़े दिन इंतज़ार करो तब तक यही पहनो। तो मैंने कहा चलो ठीक है एहतियात मैं कर लेती हूँ। तो अब चलते हैं ऊपर, ऊपर की तरफ से ऊपर झाड़ू लगाना ही है, हमने झाड़ू लगा लिया बस ऊपर रह गया, तो वो लगाते हैं। और चूल्हा यहाँ
मैं ऊपर लेकर गई हूँ धोने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि सुबह पराठे बनाए थे, अंडे बनाए थे बच्चों के लिए, तो उसकी वजह से ना वो घी वगैरह बाहर चूल्हे पे गिर गया तो निशान पड़ जाते हैं ना, तो इस वजह से मैंने आज धो दिया चूल्हा। तो पहले पंखा बंद कर लेते हैं फिर ऊपर चलते हैं, सांस फूला हुआ है, जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। सारा झाड़ू वगैरह लगा लिया क्योंकि काफ़ी धूप हो गई थी, ये देखिए, ये देखिए मौसम बहुत धूप निकली हुई है और पसीना भी आ रहा है, ये देखें। हाँ जी, उस वो कह रहे हैं मुझे धूप लग रही है मम्मा नीचे चलो, तो मैं नीचे जाने लगी हूँ, इस वजह से जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लिया है तो आपको दिखा नहीं सकी। ये देखिए माशाल्लाह पौधे बहुत प्यारे हो गए हैं, इन्हें सिर्फ बारिश के पानी लग रहा है, क्योंकि दूसरे दिन तो बारिश आ जाती है, इस वजह से मैं पानी नहीं डालती। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि इसे रोज़ पानी डालते हैं कि दूसरे तीसरे दिन पानी डालते हैं। और वो देखें जी पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, ये देखें, ये देखें, और ये देखें। आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। आज सुबह की रूटीन सारी मैंने आपसे शेयर की है, काफ़ी धूप, ये देखें सूरज यहाँ था सुबह यहाँ था, अब वहाँ ये देखें कहाँ चला गया, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। अब चलते हैं घर नीचे, ये देखिए जी यहाँ से मैंने सारा धो लिया है, सारी साफ़ सफाई हो गई है जी, अब चलते हैं नीचे, चलें भी आज, खुदा हाफिज़।